आज हम पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूलमान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। इसे हम IRMS से डिनोट करते हैं, IRMS, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिसको हम डिनोट करते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूलमान होता है वह एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग का माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है, जिसको हम IRMS से दर्शाते हैं। यहां पर IRMS बराबर होता है 0 to t I का स्क्वायर dt बटे t। यह है धारा का वर्ग का माध्य और इसके वर्गमूल के बराबर होता है IRMS वैल्यू। मतलब वर्ग माध्य मूलमान जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वह धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। तो IRMS वैल्यू इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर I का वर्ग का समाकलन 0 से t तक बटे कैपिटल T और इसका वर्गमूल। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के IRMS वैल्यू और फिर इसका जो शिखर मान है उसके बीच क्या संबंध होता है। IRMS और I0 के मध्य संबंध। IRMS मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल और I0 का मतलब शिखर मान, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में हम देखते हैं। माना t समय में धारा का तात्क्षणिक मान इसको हम डिनोट करते हैं I = I0 sin ωt से। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर पहला। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान को यदि हम IRMS से डिनोट करें तो हमारे पास सूत्र है, अब IRMS इक्वल टू होता है वर्गमूल 0 टू t I का स्क्वायर dt बटे t इसका वर्गमूल। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर दूसरा। इस प्रकार से अतः समीकरण दो से देखिए, यहां पर अतः समीकरण दो से हो जाएगा, इसको अपन वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा और यहां पर मिलेगा हमको 1/t 0 to t समाकलन होगा आपका I के वर्ग का (dt). अब हम यहां पर I का मान समीकरण नंबर एक से रखेंगे, समीकरण नंबर एक से हमको मिल जाएगा IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T 0 to t। यहाँ पर मान रख देते हैं I का मान कितना है, I0 sin ωt पूरे का स्क्वायर (dt). इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको आगे लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर है I0 sin ωt का स्क्वायर, टोटल ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ से I0 का वर्ग बाहर आ जाएगा, तो ये I0 का वर्ग बाहर आ गया बटे t
अंदर में बचेगा केवल साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर तीसरा। अब इस इक्वेशन नंबर तीसरे को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कैसे समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, क्योंकि हमको पता है कास टू ओमेगा टी बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कास टू ओमेगा टी इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से हमको मिल जाता है, जब हम इसको हल करते हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर ये मिल जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और ये इधर चला जाएगा तो ये मिलेगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी पूरे का बटे ये जो गुणांक है, इसको एक बार ऐसा लिख देते हैं टू इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसको उधर पक्षांतर कर दिए वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर वन अपॉन टू ब्रेकेट के अंदर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। इस मान को हम समीकरण नंबर तीन में रखेंगे, यहाँ पर लिखिए इस मान को समीकरण तीन में रखने पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के मान को हम समीकरण नंबर तीन में रखेंगे, कितना रखेंगे वन अपॉन टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। और एक मान और रखना है, रखने पर तथा हम यहां पर रखेंगे टी बराबर टू पाई बाई ओमेगा, टी बराबर कितना रखेंगे टू पाई बाई ओमेगा भी रखने पर, दो मान रखेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर तीन में। एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर रखेंगे एक बटे दो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, और रखेंगे टी बराबर रखेंगे टू पाई बटे ओमेगा, क्योंकि हमको पता है आवर्तकाल जो टी है उसका मान होता है टू पाई बटे ओमेगा, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए आगे इधर हल करते हैं इसको, ये हमको मिल जाता है आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का वर्ग बटे टी। अब इसका समाकलन कहां से कहां तक होगा, जीरो से टी का मान रखेंगे टू पाई बटे ओमेगा, तो यहां पर लिखते हैं टू पाई बटे ओमेगा, और यहां पर मान रख देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान ये है हमारा वन अपॉन टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी। इसके बाद देखिए हम इसी को हम आगे लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा ये हो जाता है आई जीरो का स्क्वायर बटे टू इंटू टी जीरो टू टू पाई बटे ओमेगा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस टू इंटू ओमेगा टी इंटू डी टी। और जब हम इसका समाकलन करते हैं तो ये हमको मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर बटे टू टी। इसका समाकलन करेंगे तो पहले इसका समाकलन होगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा एक का टी के सापेक्ष समाकलन टी होगा, टी माइनस कॉस टू ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वैसे जैसे कॉस थीटा का जो समाकलन होता है वह साइन थीटा के बराबर होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कॉस टू ओमेगा टी का जो समाकलन होगा वह होगा साइन
टू ओमेगा टी बटे, क्योंकि यहाँ पर टी के स्थान पर टू ओमेगा टी है इसलिए यहाँ पर ओमेगा बटे में आता है। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा टी माइनस साइन टू ओमेगा टी पूरे का बटे ओमेगा ब्रेकेट क्लोज, एक का समाकलन टी के बराबर होगा और कॉस टू ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी बटे ओमेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए, इसके बाद ये हो जाता है, अच्छा इधर लिमिट रखना पड़ेगा जीरो टू पाई बटे ओमेगा। अब इसके बाद आगे देखिए, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं हम आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर बटे टू टी। टी का मान हम यहां पे रखेंगे, टी का मान कितना रखना है हमको, यहां पे नहीं रखे हैं टू पाई बटे ओमेगा, तो यहां पर रखिए टी का मान टू पाई बटे ओमेगा। उसके बाद इसको हम आगे लिखेंगे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कीजिए तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो टू पाई बटे ओमेगा माइनस जीरो माइनस, यहाँ पर फिर से अप्लाई कीजिए साइन टू ओमेगा इंटू टू पाई बटे ओमेगा माइनस टी का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू ओमेगा बटे टू इंटू टू फोर पाई। या इसी को हम आगे लिखेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा टू पाई बटे ओमेगा माइनस, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा साइन फोर पाई बटे ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर देखिए आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो का वर्ग ओमेगा बटे फोर पाई इंटू टू पाई बटे ओमेगा, साइन फोर पाई का मान होता है जीरो के बराबर तो ये पूरा टर्म्स भी जीरो के बराबर हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं क्योंकि साइन फोर पाई इज इक्वल टू जीरो अतः आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर इंटू ओमेगा बटे फोर पाई इंटू ब्रैकेट में केवल टू पाई बटे ओमेगा ही यहां पर आएगा। अब यहां पर देखिए कौन कौन सा कैंसल हो रहा है, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और पाई से पाई और टू से फोर, ये मिल जाता है आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर बटे नीचे में बचेगा दो, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया पाई से पाई और दो से चार कटेगा दो बार। तो इस प्रकार से हमको मिला यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर बटे टू, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू इधर आ जाएगा आई जीरो बटे रूट टू, या इसका जो मान होता है वह होता है, इसको हम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर चौथा नंबर, तो आई आर एम एस का मान होता है आई जीरो बटे रूट टू, या हम इसी को लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू आई जीरो। ये आई आर एम एस और आई जीरो के मध्य संबंध है। यहाँ आई आर एम एस प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और आई जीरो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। इसको दे सकते हैं हम इक्वेशन नंबर पांचवा। इसी प्रकार
प्रत्यावर्ती वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होता है वह होता है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इसी प्रकार वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी जीरो बटे रूट टू। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू जो होता है वह होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी जीरो बटे रूट टू के बराबर। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न देख लेते हैं। आंकिक प्रश्न, प्रश्न लिख लीजिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा को I बराबर 20 sin ओमेगा टी से व्यक्त किया जाता है। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा को I इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी से व्यक्त किया जाता है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। इसका हल देख लीजिए। दिया है यहां पर I बराबर 20 साइन ओमेगा टी, ठीक है, अतः यहां I जीरो का मान कितना है 20 एम्पियर, अतः यहां पर I जीरो बराबर है 20 एम्पियर। और हमारे पास सूत्र है, क्योंकि आई आर एम एस बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है आई जीरो बटे रूट टू। आई आर एम एस बराबर होता है आई जीरो बटे रूट टू। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमको आई आर एम एस का मान प्राप्त हो जाएगा। मान रख दीजिए तो ये हो जाता है आई आर एम एस बराबर आई जीरो का मान कितना है 20 एम्पियर, तो 20 बटे रूट टू, तो यहां पर हो जाएगा ये 20 बटे रूट टू। या इसको जब अपन हल करेंगे तो ये मिलेगा हमको आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार से हल करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं रूट टू बटे रूट टू, तो यहां से हमको मिल जाएगा आई आर एम एस बराबर 20 इंटू रूट टू बटे रूट टू इंटू रूट टू, टू हो जाएगा, और ये हमको मिलेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, दो से इसको डिवाइड करेंगे ये 10 बार में जाएगा, ये मिलेगा हमको 10 रूट टू इतना एम्पियर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछता है इसी प्रकार का होता है, कोई प्रत्यावर्ती धारा दिया रहेगा या उसमें जो मान दिए रहेंगे और उसमें से हमको आर एम एस वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा को आई बराबर 20 साइन ओमेगा टी से व्यक्त किया जा रहा है, तो इसका हमको क्या ज्ञात करना था, वर्ग माध्यमूल का मान ज्ञात करना था।
तो यहाँ पे हमको पता है आई बराबर होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो उससे हम कंपेयर किए तो आई जीरो का मान हमको मिला 20 एम्पियर, और हमारे पास फार्मूला है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो बटे रूट टू। इसमें हमने आई जीरो का मान रखा 20 बटे रूट टू, इसको हल किए तो हमको प्राप्त हुआ आई आर एम एस वैल्यू 10 into root 2 एम्पियर। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा आंकिक प्रश्न था। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता और पश्चता। हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता और पश्चता। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता एवं पश्चता हम किसे कहते हैं? समानतः जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा होता है और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होते हैं वे समानतः समान कला में होते हैं, उनमें कोई अग्रता और पश्चता नहीं होती। अर्थात इसमें ऐसा होता है जब प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होता है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी अधिकतम होता है, और जब प्रत्यावर्ती धारा कम उसका मान कम होता है तो उस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज जो होता है उसका मान भी कम होता है। लेकिन ऐसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्थिति ऐसे होती है कि जिसमें धारा जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पहले ही अधिकतम हो जाता है, या कुछ स्थिति ऐसे होता है कि उसमें जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद में अधिकतम होता है। तो इन्हीं स्थितियों को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता और पश्चता। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं उसके बारे में अपन देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा और जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज हैं वे समान कला में, पहली स्थिति जब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये समान कला में हो। जब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में हो तो उस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा और जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज जो होते हैं उनके बीच कोई अग्रता या पश्चता नहीं होती। हम उसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यहाँ धारा के समीकरण को व्यक्त करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी इससे व्यक्त करेंगे, और फिर वोल्टेज का जो समीकरण है तथा वोल्टेज को डिनोट करेंगे V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। अर्थात इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज इन दोनों के बीच कोई कलांतर नहीं है, और कलांतर नहीं है का मतलब है कि इन दोनों के बीच कोई अग्रता या पश्चता नहीं है। अर्थात जिस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है उसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान भी अधिकतम होता है, और जिस समय प्रत्यावर्ती धारा का मान न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान है वह भी न्यूनतम होता है। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है। इधर हम टाइम समय के साथ परिवर्तन देखते हैं किसके बीच, आई और वोल्टेज के बीच। इधर
आई और वोल्टेज को दर्शा रहे हैं। यदि हम हमारा जो पहला जो ग्राफ है इस प्रकार से है, सपोज ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दर्शा रहा है, या इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये जो ग्राफ है यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दर्शा रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से इस प्रकार से हम ऐसा बना सकते हैं। सपोज ये जो है ये दर्शा रहा है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट, जिस स्थिति में वोल्टेज का मान अधिकतम है उसी समय धारा का मान भी अधिकतम है, और जिस समय वोल्टेज जीरो हुआ है उसी कंडीशन में धारा का मान भी जीरो हुआ है। और इधर नीचे की ओर भी देखें तो जिस समय वोल्टेज का मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हुआ है उसी समय धारा का मान भी ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है दोनों समान कला में है और इनके बीच कोई अग्रता या पश्चता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी स्थिति, यहां पर यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी हो, दूसरी स्थिति है यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी हो, तो इस स्थिति में हम धारा के समीकरण को दर्शाएंगे I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तथा वोल्टेज का समीकरण होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी, कितना अग्रगामी है यहां पर देखिए इनके बीच कलांतर कितना है फाइव, का मतलब ये है यहां पर जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह वोल्टेज से कितना आगे है फाइव के बराबर आगे है। तो हम इसके समीकरण को ऐसा डिनोट कर सकते हैं I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वोल्टेज के समीकरण को डिनोट करेंगे V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी से। अथवा इसका दूसरा, इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, अथवा यदि I बराबर हम डिनोट कर रहे हैं आई जीरो साइन ओमेगा टी से, तो हम वोल्टेज को डिनोट करेंगे V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से। या दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे कहेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी है, कितना पश्चगामी है फाइव, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिखे हैं I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और V बराबर लिखे हैं V जीरो साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी है, या दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा की पश्चगामी है, कितना फाई के बराबर, यहाँ फाई कलांतर है, यहाँ पर फाई का मान क्या है कलांतर है। और इसका यदि अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ देखिए इधर, इसके ग्राफ को हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मूल बिंदु है, इधर समय, इधर हमारा आई और वोल्टेज, इस दिशा में हम प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मान लो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, तो उस स्थिति में जो चूंकि यहाँ पर प्रत्यावर्ती जो धारा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अग्रगामी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे जब इसका मान न्यूनतम है तो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह पहले ही अधिकतम हो गया है,
तो यहाँ से चालू होगा और जैसे न्यूनतम हुआ यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो गया, और फिर जब ये ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हुआ तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती जो धारा है वो न्यूनतम हुआ, और फिर यहाँ पर न्यूनतम था तो यहाँ पर यह अधिकतम और फिर ये न्यूनतम। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। ये है हमारा वोल्टेज V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी से दर्शाएंगे, और इसको हम दर्शाएंगे I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान जब न्यूनतम रहता है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम है, और जब प्रत्यावर्ती धारा का मान न्यूनतम है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम है। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की अग्रगामी है। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति है यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी हो। यहाँ पर हम स्थिति देख रहे हैं यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी हो, तो इस स्थिति में हम यहाँ पर I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई लेंगे, तथा वोल्टेज का मान होगा V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा को हम कौन से समीकरण से डिनोट कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को हम डिनोट कर रहे हैं I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को हम डिनोट कर रहे हैं V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा कितना कम है, माइनस फाइव, इसका मतलब वोल्टेज से कितना पीछे है, फाइव के बराबर। का मतलब यह है कि इस स्थिति में जब समीकरणों को व्यक्त किया जाता है दो समीकरणों को एक साथ, तो उस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पश्चगामी है। कितना पश्चगामी है, तो इनके बीच कलांतर कितना है, फाई के बराबर। अथवा इसी को हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, अथवा आई बराबर यदि हम आई जीरो साइन ओमेगा टी लिखें तथा वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखें, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कैसा है, पश्चगामी है। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वह प्रत्यावर्ती जो धारा है उससे कितना अग्रगामी है, फाइव के, जो ये फाइव जो मान है उसके अग्रगामी है। इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी है तो निश्चित रूप से जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होगा वह प्रत्यावर्ती धारा के अग्रगामी होता है। हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए यहाँ पर। इसके ग्राफ को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है। इस दिशा में समय को दर्शा रहे हैं, इधर हम धारा और प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ले रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं हम यदि ये जो ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ किसको डिनोट करे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिनोट करे, और इसका मान कितना है, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर चूंकि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की वोल्टेज से पश्चगामी है, इसलिए जब इसका मान अधिकतम होगा तो उस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका मान न्यूनतम होता है। यहाँ से चालू होगा। इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, जब इसका अधिकतम होगा तो इसका मान न्यूनतम हो जाएगा,
ये जो ग्राफ होगा ये होगा I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ हम स्पष्टतः देख सकते हैं जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान इस पॉइंट में यहाँ पर देखिए, और जब यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान न्यूनतम है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वह प्रत्यावर्ती धारा की अग्रगामी है। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता और पश्चता। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है फेजर आरेख। फेजर आरेख अब हम किसको कहेंगे? यदि हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती जो धारा है जिनके मध्य कोई कलांतर है उसको हम यदि हम फेजर के रूप में किसी ग्राफ के माध्यम से बताएं तो उसे हम फेजर आरेख कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच यदि कोई कलांतर हो और उसे हम फेजर के रूप में किसी ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे हम फेजर आरेख कहते हैं। यहां पर देखिए, यदि हमारे पास है धारा का प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी तथा V बराबर है V जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यदि हमारे पास I इज इक्वल टू है I0 जीरो साइन ओमेगा टी और V बराबर है V0 जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो उस स्थिति में यदि हम इसको फेजर आरेख के रूप में दर्शाएं तो निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर इसको ग्राफ बना सकते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज ये I जीरो को प्रदर्शित करे तो उस स्थिति में ये वाला जो पॉइंट है ये काहे को दर्शाएगा? I को दर्शाएगा। अब उसके बाद फिर इससे जो वोल्टेज जो है कितना अग्रगामी है? फाइव। ये जो कोण होता है ये ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यदि हम इसको V जीरो से डिनोट करें तो इधर से ये वाला जो मान होगा, यहाँ पर जो मान होगा वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान को दर्शाता है, और ये वाला जो पॉइंट है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को दर्शाता है। तो उस स्थिति में ये जो इनके बीच का जो कोण है ये किसके बराबर होगा? फाई के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जो दर्शाया जाता है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम फेजर के रूप में दर्शा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं फेजर आरेख। इसी प्रकार से हम कला आरेख भी खींच सकते हैं। कला आरेख, कला आरेख में केवल फाई के मान को ही, जो कलांतर होता है उसके मान को ही दर्शाया जाता है, तब हम उस स्थिति में जो आरेख होता है उसको हम कला आरेख कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि यह है x एक्सिस और यह है y एक्सिस और यह हमारा मूल बिंदु है, यदि यहाँ पर इस दिशा में हम धारा को दर्शा रहे हैं I जीरो को, तो उस स्थिति में यहाँ पर हम किसको दर्शाएंगे? V जीरो को दर्शाएंगे, और इनके बीच जो कलांतर जो है वह कितना है? फाई के बराबर है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो I जीरो है और V जीरो केवल इन्हीं के बीच जो कलांतर के आधार पर यहाँ पर जो ग्राफ खींचा गया है इसलिए हम इसको बोलते हैं कला आरेख।
इसको हम बोलते हैं कला आरेख, और ये जो डायग्राम है ये कहलाता है फेजर आरेख। तो फेजर आरेख के रूप में इस प्रकार से डायग्राम बनता है, और कला आरेख के रूप में इस प्रकार से डायग्राम बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज के कालखंड में देखा वर्ग माध्य मूलमान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान देखा। उसके बाद फिर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता एवं पश्चता कैसे होती है उसके बारे में जाने, और उसके बाद हमने देखा फेजर आरेख कैसे बनाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच, और साथ ही साथ कला आरेख प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कैसा खींचते हैं, ये हमने आज देखा। धन्यवाद।